हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं पहले भी 1 से 17 सेट तक है जो कि बीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं, तो और उसके बाद 18वां सेट लेकर आया हूं। तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नहीं लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था? तो आप लोग इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर जो है वो आपको क्या हो जाएगा, जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आया भी था इसमें 64वीं बीपीएससी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको B.R. अम्बेडकर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव एजेंसी असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? दो का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, लाल कुर्तीधारियों खुदाई खिदमतगार का कार्य खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संयोजित था, यह सबने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, तीन का क्या हो जाएगा आंसर आपको, सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी सीमांत भाग में सरकार के सैन्य अभियानों का विरोध करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है तो कौन सी भाषा में लिखी है? तो 4 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखी है। फिर 5वां है, पूना पैक्ट का परिणाम था कि दलित लोगों के लिए सीट सुरक्षित की गई है जबकि समान चुनाव की सीटें, क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 5वां उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, तो क्या आंसर होगा 5 का, डी हो जाएगा, घटाई गई। फिर 6ठा क्या है, बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो बिहार महिलाओं की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, 6 का ए हो जाएगा, 24.5%। 7वां देखते हैं, अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपह सलार कहा जाता था परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख का क्या नामकरण किया गया था? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, सूबेदार कहा गया था। 8, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो ये 5 ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, इब्राहिम खां। 9वां, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा, 1576। 16, किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था, किसे दे दिया था? तो 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महेश ठाकुर को दिया था। 11, अलास्का कनाडा पूर्व सोवियत संघ स्कैंडिनेविया आदि देशों में किस प्रकार की मुद्रा मिलती है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, पोडियोल मिलती है। 12, स्नोबर ब्लूत ओक बबुल है, ओक आर्क जैतून अंजीर आदि वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा। 13, लियोनी जैसी अनेक प्रकार की लताओं वृक्षों से लिपटी रहती है, इस क्षेत्र में बहुमंजिले वन मिलते हैं, कठोर लकड़ी एवं सादा पर्णी इसकी विशेषता है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसमें कटिबंधीय सरदारही। 14, एक ही जाति के वृक्षों की अधिकता कारण व्यापारिक महत्व काफी अधिक, ऐसे वृक्ष कहाँ मिलते हैं, तो किस देश में मिलते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, कनाडा में मिलते हैं। फिर 15, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, क्या आंसर हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात होता है। फिर 16, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना
की गई है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर होगा, 16 का सी हो जाएगा, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। 17 क्या होगा, साख प्रस्तुत करना होता है किसके द्वारा, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा आंसर, 17 का बी हो जाएगा, आयातकर्ता द्वारा। 18 समान प्रकार के दुफोकसी लेंसों के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः होते हैं, तो 18 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अवतल और उत्तल। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु कौन सा है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। 19 का क्या हो जाएगा, सी पारावाष्प तथा आर्गन हो जाएगा। 20 कृत्रिम प्रकाश क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर होगा, 20 का सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। पेरिस्कोप की कार्यविधि का सिद्धांत किस पर आधारित है, इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल परावर्तन के आधार पर। 22 निम्नलिखित में से किस प्रयोग को समझाने के लिए प्रकाश क्वांटम प्रकृति का उपयोग किया जाता है, तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा, विद्युत प्रकाश। 23 आधारभूत स्वरूप सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया था, ये कौन सा मामला था जिसमें जो कि आधारभूत स्वरूप सिद्धांत, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। 24 कुछ न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किससे दिया जाता, किस निधि से दिया जाता, तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। 25 उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है, तो ऑप्शन के लिए क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार 25 का सी हो जाएगा, 2 वर्ष। 26 करेंट अफेयर्स आ गया, इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम क्या नाम है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूवी का। उसके बाद है 27 हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है, तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा, गुरुग्राम। 28 भारत के किस शहर में AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत रूस संयुक्त उपक्रम आरंभ किया गया है, तो कौन सा शहर है ये, ऑप्शन के अनुसार 28 हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमेठी। 29 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा शहर है ये, तो 29 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, अहमदाबाद। 30 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा, पीके बेजबरुआ। फिर है 31 रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना कितने शाखाओं महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ कितना है, 5 हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 निम्न में से किस देश के साथ व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने 2019 के लिए GDP वृद्धि दर का लक्ष्य घटा दिया है, तो किससे के बीच है जो कि युद्ध के कारण है, जो कि, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमेरिका। 33 फोर्ब्स के मुताबिक फेसबुक को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग पछाड़कर 21 वर्ष से किस देश की टीवी स्टार क्वेनली जेनर सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति बन गई है, तो 4 वर्ष के अनुसार कौन सा देश के बन गई है ये अरबपति जो है स्टार काइली जेनर, कहाँ की है, 33 का ए हो जाएगा, अमेरिका की है। 34 संयुक्त राष्ट्र UN रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे करीब कितने लोगों की मौत हो रही है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा, 800। ये आपके हो गए आज 18वां सेट, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हर टेस्ट सीरीज जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर एक बार देखें, और
और जितना आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आभास होगा कि अच्छे प्रश्न हैं और इससे आप फायदा 65वीं BPSC प्री में आप काफ़ी उठा सकते हैं और कंटिन्यू है, जो कि एक भी सीरीज को छोड़े नहीं, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो इसके साथ धन्यवाद।